राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, लेकिन शुरुआती घंटे में चुनाव विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, खबरें जो आ रही हैं वो ये कि ईवीएम मशीनों में कई जगह खराबी है, तो ईवीएम की खराबी का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके की खबरें किसी एक या दो नहीं बल्कि कई जिलों से सामने आ रही है। और सबसे बड़ी तस्वीर इस समय की है बीकानेर की। दरअसल हुआ यह है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी 1 घंटे से वोट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो कतार में खड़े हुए हैं। बीकानेर ईस्ट सीट पर मेघवाल का वोट है, लेकिन बूथ नंबर 172 की मशीन खराब है। तो ईवीएम की खराबी का खमियाजा इस वक्त केंद्रीय मंत्री मेघवाल को भी भुगतना पड़ रहा है। मेघवाल भी पिछले 1 घंटे से ईवीएम पर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर इंतजार कर रहे हैं ईवीएम के ठीक होने का। मेघवाल लाइन में खड़े हुए हैं, मेरा नंबर कब आएगा? इस वक्त मेघवाल के जहन में सवाल यही घूम रहा है। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर से ही रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, ईवीएम में खराबी इंतजार करा रही है खराबी केंद्रीय मंत्री को भी? जी रोमाना, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री जब अपने घर से निकले और पूजा करके लाइन में आए तो यहाँ करीब 30-35 लोगों की भीड़ थी, और इस भीड़ में बिल्कुल आम आदमी की तरह से मेघवाल साहब यहाँ खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस वक्त मैं पहले आपको लाइन दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो लाइन है इसमें बिल्कुल पीछे की तरफ अर्जुन राम मेघवाल जब यहाँ पहुंचे थे तो वहाँ पे खड़े थे, और धीरे धीरे लाइन खिसकती रही, और खिसकते जब वो बिल्कुल बूथ के पास पहुंचे तो यहाँ आगे पहुँच कर केंद्रीय मंत्री जो है वो यहाँ पे लाइन में पहुंचे, और उसके बाद मशीन खराब हो गई। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अधिकारी सकते में है क्योंकि केंद्रीय मंत्री का मामला है, लाइन में खड़े हैं और आनन फानन में मशीनें मंगाई गई है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं बात करने की। मेघवाल साहब, मशीनें कब तक ठीक हो रही है? आ गए, टेक्निकल स्टाफ आ गया, ठीक हो रही है। कितने देर से खड़े सर? मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो मतदान प्रक्रिया में जब आता हूँ तो लाइन में ही रहता हूँ, अनुशासन में रहता हूँ। अब ये एक जगह की शिकायत नहीं है सर, कई जगह राजस्थान में कई जगहों तक हम रिपोर्ट सारी ले रहे हैं, तो एक बार वोटिंग कर दूं मैं, उसके बाद आपको पूरी बात बताएंगे। तो आपने देखा कि मेघवाल साहब कह रहे हैं कि पहले मतदान कर दे, और ये महिलाएं भी हैं लाइन में खड़ी हैं, और इससे पहले कुछ महिलाएं यहाँ से वापस जा चुकी हैं। इन लोगों से बात करते हैं। सर, कब से खड़े हैं? हम 1.5 घंटे से खड़े हैं। 1.5 घंटे क्या बता रहे हैं आप? कि मशीन ठीक हो रही है, मशीन ठीक हो रही है। निराशा हो रही है, किस तरह किससे चुनाव? निराशा क्या, वोट देने ये मत का दिगर है, वोट देके जाएंगे, निराशा नहीं होंगे और खड़े रहें, इंतजार करेंगे जरूर। ये बेहद शुभ संकेत है कि मतदाता 1.5 घंटे से खड़े हैं, मशीन खराब है, लेकिन फिर भी हौसला बनाए हुए हैं। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में जगह जगह जो ईवीएम खराब होने की जो खबर आ रही है, इससे पहले मैंने भी बात करी थी तो फलौदी में भी कई जगहों पर इस तरह की मशीन खराब होने की खबर आई, और साथ ही एक तकनीकी दिक्कत की और जानकारी हुई है कि आमतौर पर 50 सेकेंड के आसपास का समय लगता है एक वोटर से दूसरे वोटर को मतदान कराने में, लेकिन फलौदी में एक वोटर को कम से कम 2 मिनट का समय लग रहा है, इस तरह की भी शिकायतें हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फंसे हुए हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय उनको खुद हो गया है। रोमाना, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ईवीएम में खराबी और 1-2 जिलों से नहीं बल्कि कई जिलों से सामने निकल कर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं कि बीकानेर में तो खुद केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल 1 घंटे से ज्यादा हो गया लाइन में खड़े हुए हैं। हालांकि खुद केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो टेक्नीशियंस हैं, मतलब मशीन को ठीक करने वाले जो हैं, वो पहुंच गए, मशीन को ठीक किया जा रहा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।